Hello, good morning everyone. Once again, I welcome you all on Unacademy UPSC. चलिए जिस तरीके से हर दिन हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं ऐसे ही लेकर के भी आए हैं. आप लोगों को मालूम होगा कि यूपीएससी एज में भी हम लोगों ने जो है वो हमारी पूरी ग्रुप जो है हम सभी लोग मिल करके आपके 2020 के पीटी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. एक्चुअली इट वॉज अ विज़न. आपने देखा भी था कि UPPCS में मैंने ये कोशिश पहले करी थी, बट दिस टाइम अनअकैडमी हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पीपल. जितने भी लोग हैं हम लोग सारे लोगों ने क्या है इसमें जो है सो अपना सहयोग कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो लोग इस प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे वो अनअकैडमी का प्लस पे जो आपका UPSC एज प्रोग्राम चल रहा है उसको देखना ना भूला करें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसी कड़ी में हम लोग ये जो डेली पॉलिटिक्स सेशन हमारा चल रहा है इसी कड़ी का ही एक हिस्सा आप इसको मान लें, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न होने की संभावना है. क्योंकि पॉलिटी में जिस तरीके से मैंने कुछ करंट के क्वेश्चंस को कुछ महीनों के आपके लिए एग्जॉस्ट कर दिए हैं पॉलिटी के, उसी तरह से आपको मुझे लगता है कि फिर से कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को भी करना शुरू करूँ. ठीक है, और अभी मैंने अभी कुछ दिन से एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया ताकि मैं देखूँ कि आपको कितनी तैयारी आपकी हो रखी है. ठीक है, फिर बाकी जो फिर कुछ दिनों का फिर से मैं एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूँगा जिस तरीके से मैं पहले दिया करता था, एक्सप्लेन किया करता था. ठीक है, ताकि आपको लगे एक बार आपको लगे कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ. अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपसे कुछ गलती हो पा रही है तो आप उसको प्लीज़ रिवाइज़ करें जो मैंने वीडियोज़ में पढ़ाए हैं. ठीक है ना, और जो मैं अभी UPSC एज पे ले रहा हूँ आपके सामने 4 बजे. ठीक है, तो आप उसको देखा करें, समझा करें. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू दिस टाइम एक्सप्लेनेशन. मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे. और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन अभी देना बंद कर दिया मैंने. ठीक है, ज़्यादा फिर समस्या अगर आएगी तो फिर आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, चलिए आ जाइए सब. आइए आपका आज का सत्र हम लोग शुरू करते हैं. सो आने से पहले एक चीज़ और, अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप आना चाहते हैं दिस इज Pawan 10, और इसका फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि अभी हमने वहाँ पर UPSC एज के नाम से प्लस के नाम से हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है. ठीक है, वहाँ पर आई विल बी टेकिंग फॉर यू जो आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी का सेशन चलेगा ही चलेगा. ठीक है, साथ ही साथ अभी मैं वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस भी लूँगा. और ये आप जानते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको UPPCS में किया था UPSC में मैं उसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फंस जाएँ. मेरी कोशिश रहेगी कि 90-95% तक क्वेश्चन आपके टकरा जाए यहाँ से. ठीक है ना, दिस वे और दैट वे. ठीक है, पॉलिटी एग्जॉस्ट कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में जिन पोर्शंस को मैं करूँगा वहाँ से भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्न आपको देखने को मिले. सो डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग. आफ्टर ऑल ये आपका कैरियर है, आपका ड्रीम है जिसको आपको रियलाइज़ करना है. और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि जो मैं कह रहा था वो मैं कर रहा हूँ. ठीक है, UPPCS में चीज़ों को बहुत तरीके से मैं शेप नहीं दे पाया था उत्तर प्रदेश के समय, लेकिन यही प्रयास हुआ था, लेकिन दिस टाइम दिस हैपेंस. ठीक है, सो आइए हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना एफर्ट लेके चल रहे हैं. ठीक है, हम लोग भी अपना कर रहे हैं. तो प्लस पे मैं बात कर रहा था जो अनअकैडमी जो आपका सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका लेने वाला हूँ, साथ ही साथ वहाँ पे अभी मेरा हिस्ट्री भी चल रहा है, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री जो कि ख़त्म होने वाला है, और वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे. तीसरी बात जो है अगर आप देखें तो आप वहाँ देखेंगे क्या कि अभी मैं रिपोर्ट्स के ऊपर भी बात करूँगा, रिपोर्ट्स से भी अक्सर आपको एक दो सवाल देखने को मिलेंगे. रिपोर्ट्स के अलावा वहाँ से मैं जितने भी आपके एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं वो सारी चीज़ें करूँगा. तो तमाम चीज़ें मैं करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैं करवाऊँ कम से कम वहाँ से लगभग 20-22 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, मैं बहुत ही लिबरल एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, कोई कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके नहीं चल रहा. मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कम से कम 20-22 क्वेश्चन आपके पास आ ही जाएँ. ठीक है, सो आइए चलिए देखते हैं. और उसके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास ये जो कोड है दैट इज़ Pawan 10. ठीक है, Pawan 10 सारे लोग का अपना अपना अलग अलग कोड है, इसका मतलब कि सभी लोगों का जो ये कोड है वो अलग अलग है. ठीक है ना, किसी का अपना एक ग्रुप ऐसा नहीं है, ये सारे लोगों का अलग अलग है. सो दिस इज माई ग्रुप Pawan 10, इफ़ यू विश यू कुड जॉइन दिस कोर्स. सो आ जाइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास. तो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री. दूसरा स्टेटमेंट है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रेडली ज्वाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आइए हिंदी में देखेंगे क्या लिखा हुआ है. भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. ठीक है, यू हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स. ठीक है, आ जाइए. सो भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. इसने देश में पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की. दूसरा, रियासतों के प्रतिनिधि आसानी से घटक विधानसभा में शामिल हो गए. नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास स्टेटमेंट्स. यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही. ठीक है,
ये आपके हिंदी में रहे आपके पास, आप इनको भी देख लीजिए ठीक है, और आंसर देने की चेष्टा कीजिए। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको मैं पीछे लिए चलता हूँ ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप कर पा रहे होंगे, आंसर दे दीजिए ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ना तो एक ना तो दो ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है इसको एग्जॉस्टिवली, मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, आप उनको जाके देखें और रिवाइज करके आए ठीक है। अगर ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आएगा देन आई विल स्टार्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन अगेन। नेक्स्ट आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9th December 1947 ठीक है। दूसरा है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रेडली जॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है। इसमें हिंदी में देखिए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। 9 December 1947 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की, रियासतों के प्रतिनिधि आसानी से घटक विधानसभा में शामिल हो गए। करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ओके आइए, कोई बात नहीं, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया था, ये वो 1946 होगा, आपको याद होगा। एनीवेज मैं ज़्यादा भी बोलूंगा नहीं, आप लोग इसको खुद रिवाइज करके बताएं मुझे। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमिटीज में माइनॉरिटी सब कमिटी, उसके बाद आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके बाद है आपके पास कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेडेड बाय जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ठीक है। हिंदी में भी देखते हैं, इसको आपको मैच करना होगा। ये देखिए, अल्पसंख्यक उप समिति जेपी कृपलानी, केंद्रीय संविधान समिति सरदार पटेल, केंद्रीय संविधान समिति के कार्य पर संविधान सभा, संविधान सभा के कार्य पर समिति, बल्कि संविधान सभा के कार्य पर समिति ठीक है। सो आपको यहाँ पर मैच करना है ठीक है। सो कौन सा सही है? करेक्ट है, तो देख लीजिए आपके पास क्या सही है। कोई भी नहीं सही है ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है सभी के बारे में, अल्पसंख्यक उप समिति, केंद्रीय संविधान समिति के बारे में, संविधान सभा के कार्य समिति के ऊपर में ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। चौथा प्रश्न है हमारे पास, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द एक्ट्स पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वेर रिपील्ड। दूसरा है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर इन्फोर्स्ड ऑन August 1947 ठीक है। ये भी सिंपल सा सवाल है, आइए हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान के प्रारंभ के साथ ब्रिटिश काल के दौरान पारित सभी कृत्यों को निरस्त कर दिया गया था। दूसरा है, संविधान के सभी हिस्सों को अगस्त 1947 को लागू किया गया था ठीक है। हो गया सारे लोगों का? सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट ठीक है, हिंदी में देख लीजिए ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ना तो एक ना तो दो ठीक है। समझ पा रहे हैं, संविधान के प्रारंभ के साथ ब्रिटिश काल के दौरान पारित सभी कृत्यों को निरस्त कर दिया गया था, ये आप समझ ही रहे हैं ये भी गलत है, और अगस्त 1947 को संविधान के सभी हिस्से लागू हो गए थे ये भी गलत है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स ठीक है। दूसरा है, इंडियन पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी, इंडियन पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संसद प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है। समझ लिया आपने ठीक है, चलिए आ जाइए। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट, ओनली वन ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू ठीक है। सो ये आपका ना तो एक ना तो दो ठीक है। कोड, दिस इज योर पवन सर्स कोड, नॉट पवन सर्स कोड, पवन टेन, और हर किसी का कोड अलग अलग होता है ठीक है ना। वी आर इन द ग्रुप बट एवरी वन कोड इज डिफरेंट ठीक है ना, एवरी वन इज डिफरेंट, सबकी आइडेंटिटी अपने यहाँ अलग है। दिस इज माई
पावनटेन कोड, और इसके थ्रू आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन रीड, ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं. पीटी के लिए पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू के लिए पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए पढ़ सकते हैं. ठीक है ना, हम हमेशा आपके साथ आखिरी समय तक रहेंगे. आखिरी समय का मतलब ये होता है कि आपके इंटरव्यू तक आपके साथ रहेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो. फिर आपके हम लोग क्या करेंगे, थोड़े छोटे मोटे यादों में बस बन के रहेंगे. चलिए साहब, सो पवन टिंग याद रखिएगा, फिर मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैप्पी होली.